हेलो मनमुटू फैमिली, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे माता रानी जी के पास। तो फ्रेंड्स, अभी है इवनिंग का टाइम और देखिए शाम के बज रहे हैं 6:15 और मैं आ गई हूँ छत पे। और ये देखिए बादल कितने सुंदर लग रहे हैं ना, और काफ़ी धूप भी निकली है और हल्की हल्की है। और ये देखिए, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 6:15 और मैं आ गई हूँ छत पे। और छत पे भी कितना अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की धूप भी है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ पूरे दिन का ही रूटीन शेयर करूँगी। और स्पेशल ये नहीं है कि मतलब मैं शाम का ही आपके साथ रूटीन शेयर करूँ। और आज मैंने दिन में क्या क्या किया है, मैं वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए मैंने कितने सारे कपड़े धुल के डाले हुए हैं, मैंने नहीं डाले, देखिए हमारे पड़ोसियों के, और मैंने नहीं डाले। अभी मैंने कोई सफाई वगैरह कुछ भी नहीं किया है, और क्योंकि परी की तबीयत ख़राब थी, मेरी भी तबीयत ख़राब है। तो मैं सोच रही हूँ एक दो दिन रेस्ट और कर लूँ, उसके बाद करूँगी सफाई। और अभी तो टाइम है, आज तो 1 तारीख हुई है ना, और अभी काफ़ी टाइम है, तो 2 दिन में हो जाएगा आराम से। और 1 दिन में कपड़े वगैरह धुल जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ आराम से पहले परी ठीक हो जाए और मुझे भी आराम मिल जाए थोड़ा बहुत, तो फिर मैं करती हूँ साफ़ सफ़ाई। और डेली का काम ही इतना हो जाता है ना कि मतलब एक्स्ट्रा काम करने का मन ही नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, चलो करते हैं आपको आपके साथ आज का अपना रूटीन। तो चलो तैयार हो आप लोग, चलो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट होता है यहाँ से। और अभी ये गुड मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग है, मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के बज रहे थे 6:30। और ये गाय आ गई थी तो नीचे मम्मी ने इसके लिए कुछ रख दिया था, शायद कुछ जैसे भूसी वगैरह होती है वो रख दिया था और खा रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और झाड़ू बर्तन पोछा तो हमारा हो गया था। तो हर्षू के लिए मैं बना रही थी नाश्ता, तो आज हर्षू ले जाएंगे नाश्ते में नूडल्स, यानी कि उनका नाश्ता हो जाता है और लंच भी हो जाता है। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ नूडल्स, और नूडल्स ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं हेल्थ के लिए, लेकिन बच्चे आजकल के क्या मानते नहीं हैं। तो यहाँ पे नूडल्स मैंने बॉईल कर लिए थे गर्म पानी में, और थोड़ा सा मैंने रिफाइंड डाल दिया था और थोड़ा सा नमक, तो ये हो गए थे हमारे बॉईल। तो फ्रेंड्स, चलो अब बना लेते हैं इन्हें। और यहाँ पे मैंने ये सोयाबीन की भरी है और पानी में फुलाने डाल दी थी और निचोड़ के, और फिर मतलब इन्हें भी फ्राई कर लिया है, ये देख सकते हो। और चलो अब ना इन्हें बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो मैं तो भाई अपनी देसी स्टाइल में बनाती हूँ और काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डाल दिया है जीरा, और जीरा डाल के अभी मैं डालूँगी इसमें हींग, क्योंकि हींग जीरा डालो ना तो कोई भी चीज़ हो पच जाती है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्याज काट के रखा हुआ था, और ये 2 प्याज हैं और 3-4 हैं हरी मिर्च, जो मैंने बड़े मतलब लंबे काट के रखे हुए हैं, क्योंकि छोटे छोटे ना तो बच्चों के मुंह में आ जाते हैं, और बड़े हैं तो ये मतलब अच्छे से निकाल देंगे। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर, और इन्हें अच्छे से कर लूँगी फ्राई पहले, और इनमें ना मसाला भी ऐड करना है, तो पहले इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये ना कच्चे हैं ना ही पके हैं, मतलब जो हमारी प्याज है वो मैंने पूरी तरीके से ब्राउन नहीं की है और थोड़ा सा कच्चापन रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिए थे धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला था, नमक, ये चीज़ें डाल दी थी। और ये देखिए टमाटर को ना कच्चा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि टमाटर को कच्चा छोड़ दो और वैसे भी ये लोग टमाटर ना एकदम निकाल निकाल के खाते हैं। तो प्याज को थोड़ा सा रखा है, ये देख सकते हो मैंने अच्छे से भून लिया है, और ये अच्छे से मसाले में मिल भी गए हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया सोयाबीन की बरी, और इसे भी मिला लेते हैं। और ये देखिए नूडल्स हमारे कैसे चिपक गए हैं, पता नहीं क्यों ये ज़्यादा बॉयल हो गए थे, वैसे ये देख सकते हो। और इन्हें ना जो कलछी वगैरह से करो
तो ये टूट जाते हैं। और ये मैंने ले लिया था चाकू, तो चाकू से अच्छे से पहले ना ये उलझे हुए हैं तो इन्हें सुलझा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे नूडल्स एक एक हो गए हैं और इन्हें मैंने अच्छे से मिला लिया था मसाले में। तो अब मैं डाल देती हूँ चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस है वो, और ये देखिए ये है सोया सॉस। और इसमें ना इन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो सोया सॉस डाल दिया है मैंने। और अब मैं डालूँगी इसमें विनेगर, ये जो विनेगर होता है वो, ये देखिए ये भी डाल दिया है। और अब चलो मिला लेती हूँ। और टमाटो सॉस मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि टमाटो सॉस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता नूडल्स में, और हरसू जब खाएंगे तो हरसू के लिए डाल देंगे अलग से, वो तो ऊपर से भी डल जाता है। और इन्हें देखिए मैं मिला लेती हूँ अच्छे से। और ये देखिए कलछी से मिलाना नहीं आ रहा था तो मैंने मिला लिया, मैं चाकू ले लिया था, चाकू से अच्छे से मिल जाते हैं ये और एक एक हो जाता है खूब अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे नूडल्स बनके तैयार हो गए। तो यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ पहले जतिन की थाली, क्योंकि जतिन की प्लेट रखी थी हमारे ऊपर, आई थी शाम को, तो उसके लिए लगा दे रही हूँ। और वो भी स्कूल जा रहे हैं शायद। और यहाँ पे देखिए मैंने जतिन की थाली तो नीचे भिजवा दी थी। और बच्चों को ना ये चीज़ें पसंद होती हैं, जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना बच्चों वाली तो उसके लिए भी भिजवा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हरसू की भी प्लेट लगा दी है मैंने और ये बन के तैयार हो गए हमारे नूडल्स, और काफ़ी टेस्टी बने हुए थे। हरसू खा के भी गए थे और लेके भी गए थे। क्या खा रही हो? क्या खा रही हो? और ये देखो इन्होंने मेरी पायल उतरवा के और अपने पैरों में पहन ली है, और मेरे पैर ना ऐसे ही है खाली और अपने पैरों में पायल पहन ली है और उतार नहीं रही। बाबू मैं ले लूँ अपने पायल? क्यों दे दो मुझे, दे दो ले ले। नहीं 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 नहीं। तो फ्रेंड्स अब इन्हें ना बहुत आराम है। ले लिया। देखिए मैंने मंगाए मीशो से, इसका ये काम शुरू हो गया। अभी रुक जा लड़की, हर्षो अब ये पिटने वाली है मेरे हाथों से, और कुछ नहीं है। कितना परेशान करती है लड़की सच में। मैं ना इसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा। अपनी दवा भी इसमें फेंक दी है इधर उधर, लाओ मैं सेट कर लूँगा अब इनको। और ये देख सारा कुछ ऐसा कर रखा है इसने। ये देखो ये सब कुछ, ये ना बेड की खिड़की। तो फ्रेंड्स ये देखिए परी ने कर दिया कितना रूम गंदा। और आज दोनों ना बहुत ही ज्यादा शोर कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा शरारत कर रहे थे, और इन्हें रोको तो मानते तो है नहीं। और परी को ना, हरसू को तो मैं एक दो थप्पड़ मार भी देती हूँ लेकिन परी को ना मैं मारती नहीं हूँ, इसीलिए पता नहीं क्या ये लड़की ना बहुत ही ज़्यादा काम बिगाड़ती है। और मैं सोचती रहती हूँ चलो छोटी है कुछ नहीं। और ये सारा सामान निकाल के इन्होंने रख दिया है बाहर, और कपड़े जो सोफा पर रखे थे हमारे फोल्ड करे हुए तो वो भी फेंक दिए हैं और नीचे, और मतलब
उसे अच्छा नहीं लगता है साफ़ सफाई, ऐसे उल्टी सीधी करके फेंक देती है। और चलो अब मैं ना बेड तो साफ़ कर दिया है और ये पानी फैला हुआ था तो पानी भी पोंछ देती हूँ और इसमें ना लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा निकलने वाला है। और मैंने अनबॉक्सिंग भी की थी जो हमारा पार्सल आया था उसका, और बच्चों ने इधर उधर फाड़ फूड़ के फेंक दिया है। और यहाँ पे ना आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को थोड़ा, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं गली में और कहाँ जाऊँ, अंदर फैन चल रहा है तो मतलब फैन की भी आवाज़ आती है। और ये सारा सामान, और ये देख सकते हो आप लोग, ये जो परी की मच्छरदानी है ना, तो वो भी उसकी क्या कंडीशन हो गई है, उसे मतलब लेट जाती है उसमें। अब छोटी हो तो मतलब उसमें लेट भी जाए, और बड़ी हो गई है तो नहीं लेट पाती है, तो उसने तोड़ मरोड़ के उसे फेंक दिया है। तो ये देखिए, ये राजा उनके पड़े हुए हैं, मतलब खिलौना है ये भी पड़ा हुआ है। और अब मैं इसे फेंक दूंगी, इसमें से ये सोखता निकाल के ना फेंकती रहती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मेरा घर बिल्कुल हो गया है क्लीन। और जब तक ना क्लीनिंग ना हो घर में, तब तक अच्छा नहीं लगता है, मन एकदम उखड़ा सा रहता है। और ये देखिए, मैं ले आई हूँ रैक और 3 स्टैंड वाला है। और यहाँ पर मैं ना ये कई दिनों से लेना चाह रही थी, सोच रही थी इसे लेने के लिए। और ये बताइए, ऐसे ना पॉलीथीन कौन फाड़ता है? और मुझे ना जब पॉलीथीन हाथ में आती है तो इसकी जो मतलब गांठ होती है तो मैं वो नहीं खोलती हूँ, डायरेक्ट फाड़ देती हूँ, और जिससे ना ये चीज़ें ख़राब हो जाती है, पॉलीथीन ख़राब हो जाती है। और अगर उसे अच्छे से खोल दो तो किसी में यूज आ जाती है, मतलब कोई सामान है तो रख दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये प्याज और लहसुन मैं रख रही हूँ नीचे वाली रैक में, और ये ना काफ़ी अच्छी है। और ये मैंने मीशो से मंगाई है 290 की, तो लोकल मार्केट में भी देखी थी तो मतलब ऐसी ही आ रही थी, तो तब मैंने सोचा था चलो रहने दो, और फिर मैंने मंगा लिया ऑनलाइन से। और यहाँ पे ये वाली जो हमारी बास्केट है, इसमें सारा सामान रहता था मेरा, मतलब आलू है, प्याज है, लहसुन है। तो प्रॉब्लम होती थी, आलू नीचे दब जाती थी, कभी प्याज दब जाती थी, तो मैं बस यही सोच रही थी कि मतलब ये रैक मैं मंगा लूँगी। और ये देखिए, नीचे वाले में ना प्याज और लहसुन है, बीच वाले में आलू है जो ऊपर वाला खाली है। और अभी इसमें टमाटर वगैरह ये नहीं रख सकते हैं, क्योंकि चूहे होते हैं एक तो वो नहीं छोड़ेंगे, तो टमाटर वगैरह तो फ्रिज में ही रखना सही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो हमारी बोटल्स वगैरह थी वो हम रख देंगे, इसी में रखते रहे हैं। और ये बोटल्स हमारी ये सॉस की थी तो डब्बी में मैं रखती थी, क्योंकि बिना डब्बे के रखो ना तो लुढ़क जाती थी, मतलब गिर जाती थी बार बार, तो कांच की बोटल्स तो टूटने का डर होता था। तो चलो सेट कर दिया है मैंने। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमारे डब्बे लग गए हैं, और जो हमारी बाल्टी नीचे रखी रहती थी ना, छोटा मोटा सामान था, वो मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया और ये खाली कर दिया। इसमें जो सामान था तो वो देखिए ये रखा हुआ है, ये मैंने रख दिया है, और मसाले वगैरह हैं आराम से एडजस्ट हो गए हैं। और ये देखिए इधर आलू। तो फ्रेंड्स आप करते हैं वीडियो का एंड, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।